ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर राज खोला कि बाप का कर्तव्य है विश्व में शांति स्थापन करना, पीस स्थापन करना। बिना पवित्रता के शांति स्थापन नहीं हो सकती। बाबा जब आते हैं तो पवित्र बनाते हैं, योगी बनाते हैं, जिससे विश्व में शांति स्थापन हो जाती है। तुम बच्चों के चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बहुत शानदार होनी चाहिए। कोई भी अनरॉयल काम नहीं करना है। आपके व्यवहार में बहुत मिठास होनी चाहिए। किसी को भी समझाना है तो प्यार से समझाना है। भक्ति में बुलाते हैं, हे भगवान आओ, दुख दूर करो। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, और पूछते हैं हमने कौन सी भूल की। बाबा समझाते ड्रामा में सबसे बड़ी भूल की, जो तुम मुझे ही भूल गए। किसने भुलाया? माया रावण ने। बाबा जो योग सिखाते हैं उससे आप माया पर जीत पा लेते हो। जो बच्चा जितना योगी बनता है उतना उसकी धारणा अच्छी होती है। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। जो ज्ञान ध्यान से सुनते हैं उनका योग स्वतः ही अच्छा हो जाता है, और जिनका योग अच्छा है ऐसी धारणा मूर्त का प्रभाव अच्छा पड़ता है। बाबा ने कहा इस समय में तुम बच्चों को स्वयं आके राज योग सिखाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। तुम बच्चों को बाप की याद में रहकर सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति में गाते हैं मंगलम भगवान विष्णु। बाबा ने कहा सच्चा सच्चा मंगल मिलन आत्मा और परमात्मा का होता है, जिससे आप विष्णुपुरी में चले जाते हो। ऐसा मंगल और किसी का हो नहीं सकता। इसी समय मैं दैवी धर्म की स्थापना करता हूँ। जो ब्राह्मण है वही देवता बनते हैं। ब्राह्मण इस समय ईश्वरीय गोद में है, फिर दैवी गोद में होंगे। ब्राह्मणों को देवता बनाना बाप का ही कार्य है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। पूरी एकाग्रता के साथ इस स्मृति में टिकेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। मुरली का सार है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है, श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। क्वेश्चन है कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं। कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं। सारे विश्व में पीस स्थापन करना ये कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भले कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते रहें, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप जब बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में शांति है। तुम बच्चे बात सबको बड़ी युक्ति से भवके से समझाओ, तब बाबा का नाम बाला हो। ये बात बहुत युक्ति से भवके से समझाओ, तब बाबा का नाम बाला हो। गीता में एक नन्ना सा बच्चा हूं। ओम शांति। ये गीत भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, क्योंकि एक तरफ भक्ति का प्रभाव, दूसरी तरफ जब ज्ञान का प्रभाव। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? ये तो बहुत सहज है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। भक्ति में ढूंढते रहते हैं, पुकारते हैं, भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाबा से पूछा जाता ड्रामा में क्या कोई भूल है। बाबा कहते हाँ,
बड़ी भूल है जो तुम मुझे भूल जाते हो। बाबा हम सबको रियलाइज करा रहे हैं कि आपकी बड़ी भूल कि आप बाबा को भूल जाते हो। कौन भुलाता है? माया रावण। बाबा बैठ समझाते, बच्चे खेल बना हुआ है। बाबा याद दिलाते, माया रावण भुला देती है, खेल बना हुआ है। स्वर्ग और नर्क होता ये तो भारत में ही होता है। भारत में कोई मरता है तो कहते बैकुंठवासी हुआ, ये तो जानते नहीं स्वर्ग अथवा बैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग मिलेंगे, अभी तो है नरक तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक मिलेंगे। जब तक स्वर्ग की स्थापना हो मनुष्य बातें नहीं जानते। एक है ईश्वरीय अथवा राम संप्रदाय, दूसरा है रावण संप्रदाय। सतयुग त्रेता में है राम संप्रदाय, उनको कोई दुख नहीं, अशोक वाटिका में रहते। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता। अब बाप फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, वह सर्वोत्तम धर्म। धर्म तो सब है ना, धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती। भारत में अनेक धर्म वाले आते, कॉन्फ्रेंस करते। अब जो भारतवासी धर्म को मानने वाले ही नहीं, वो कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे। वास्तव में भारत का प्राचीन धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। असली धर्म है देवी देवता धर्म, सबसे ऊंच। कायदा कहता है ऊंच से ऊंच धर्म वाले को गद्दी पे बिठाना चाहिए। सबसे आगे किसको बिठाएं, इस पर कभी उनका झगड़ा लग पड़ता। जैसे एक बार कुंभ के मेले में झगड़ा हो गया था, वो कहें पहले हमारी सवारी चले, वो कहें पहले हमारी, लड़ पड़े थे। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को समझाना है कि ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है। कॉन्फ्रेंस में क्या समझाना है, ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है, वो तो जानते नहीं। बाबा कहते आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो प्रायलोप हो गया और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े। अब चीन में रहने वाले अपना धर्म चीन तो नहीं कहेंगे, वो लोग जिसको नामी ग्रामी देखते उनको मुख्य करके बिठा देते। कायदे अनुसार कॉन्फ्रेंस में बहुत आ नहीं सकते, सिर्फ रिलीजन के हेड्स की उनको ही निमंत्रण दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुख्य धर्म के मुखिया हैं उनको ही निमंत्रण दिया जाता। बहुतों से फिर बहुत बोलचाल हो जाता है, अब उनको राय देने वाला तो कोई है नहीं। तो वो ऊंच ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम ही बता सकते हो। भारत का जो मुख्य धर्म है, सब धर्मों का माई बाप है, उनके हेड को इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बनाना चाहिए, गद्दी नशीन उनको करना चाहिए, बाकी तो सब है उनके नीचे। तो मुख्य बच्चे जो हैं उनकी बुद्धि चलनी चाहिए। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते, संजय ये है ना, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आके ज्ञान दिया। अर्जुन कौन? ब्रह्मा ही अर्जुन है, उनके रथ में बैठकर शिव बाबा ज्ञान देते हैं। संजय भी यहाँ पर है, परंतु ऐसा तो है नहीं, अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए, वो है सूक्ष्म मतन की रचना। बच्चे समझते विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता। ब्रह्मा स्थापन करता, विष्णु नई दुनिया का पालन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। ये बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए। जिससे स्थापना कराएंगे उससे पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं, वास्तव में ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस में आदि सनातन देवी देवता धर्म की हेड जगदम्बा होनी चाहिए, क्योंकि माताओं का बहुत मान है। जगदम्बा का मेला बड़ा भारी लगता, वह जगत अम्बा जगत पिता की बेटी। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है, ये वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाबा भी कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए। उनसे पूछ सकते हो उन्हें नॉलेज कहाँ से मिली, उनके साथ ही ज्ञान गंगाएं भी हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर एक ही है, वो नॉलेज कैसे दे, ज्ञान सागर एक ही है, वो ज्ञान कैसे दे। जरूर उनको शरीर लेना पड़े,
तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते, ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उनको ये मालूम होना चाहिए बड़ा धर्म कौन सा है। ये तो कोई समझते ही नहीं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाबा कहते धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तो मैं आपके स्थापन करता हूँ। अभी देवता धर्म है नहीं, बाकी तीन धर्मों की वृद्धि होती जा रही है। जरूर देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करना पड़े, फिर ये सब धर्म रहेंगे नहीं। बाप आते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां बता सकती हो पीस कैसे स्थापन हो सकती है। शांति का सागर है परम पिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। जो ज्ञान सागर है वही शांति का सागर है, सुख का सागर है। गाते पतित पावनाओ, आकर भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, ये बाप का कर्तव्य है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाबा कहते जो मेरे बनेंगे, राजयोग सीखेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा हम पवित्र बन 21 जन्म का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे। पतित से पावन बनेंगे, पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ा ही पीस करेंगे, वो तो शांति सागर बाप का काम है। शांति स्थापन करना शांति सागर बाप का काम है। कॉन्फ्रेंस में बड़े आदमी आते हैं, बहुत मेंबर्स बनते हैं, तो उनको बाप उनको भी राय देनी पड़े। फादर शोज सन, शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेस ऑफ नॉलेज, उनको गॉड ने नॉलेज दी। मनुष्य शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। युक्ति जरूर रचनी पड़ती, एक तरफ उनकी कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी तरफ फिर तुम्हारी भपके से कॉन्फ्रेंस हो। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे, उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़े सब एक ही एक है, नहीं, सब धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिलकर के कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन, वही आकर पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती हैं, समझाने की पावर भी है, पॉइंट्स भी मिलती हैं, पावर भी है। योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो ज्ञानी होंगे वो योगी जरूर होंगे। अंडरलाइन करेंगे, जो ज्ञानी होंगे वो योगी जरूर होंगे। योग परम पिता परमात्मा के साथ रखते हैं, योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं तो धारणा भी नहीं, क्योंकि देहाभिमान बहुत है। बाबा तो समझाते आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, ये बाप का ही कार्य है। रावण आकर पत्थर बुद्धि बनाते, उनका काम है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी हैं। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकती हो, मुरली चलाने का बड़ा हौसला होना चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता, सरस्वती का नाम गया हुआ है, जिसका जो नाम है वही रखते हैं। माताओं का नाम बाला करना है। कई गोपों को बहुत देहाभिमान है, यहाँ पर अपनी चेकिंग करने की जरूरत है। बाबा ने कहा कई गोप पांडव भाई ऐसे हैं जिन्हें देहाभिमान है, वो माताओं का रिगार्ड नहीं रखते, समझते हैं ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या। अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते हैं। माताओं का बहुत रिगार्ड रखना है, ये माताएं जीवन पलटाने वाली है। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, ये माताएं जीवन पलटाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बनाने वाली हैं। माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। अदर कुमारी का राज कोई समझते नहीं, भले शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जिनको बाप से वर्षा लेना है वो समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं वो क्या समझेंगे। नंबरवार दर्जे जरूर हैं, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे, प्रजा भी चाहिए। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी।
एसएससी कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके लिए अपने को मुख्य समझते हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। जो अपने को मुख्य समझते हैं उन्हें तैयार रहना चाहिए, जिनमें ज्ञान नहीं वो जैसे कि छोटे ठहरे। इतनी बुद्धि नहीं, देखने में भले बड़े हैं परंतु बुद्धि नहीं तो वो छोटे हैं। कोई कोई की बुद्धि बहुत अच्छी है, दिखने में भले छोटे हैं पर बुद्धि बहुत अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है। छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं, कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है, बातचीत बड़ी रॉयल्टी से करते हैं, समझेंगे ये रिफाइन बच्चे हैं। चलन से भी शो होता है, बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए। नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का, बाबा का नाम बदनाम करते तो बाबा का भी हक है समझाने का। अच्छा, याद प्यार से पहले रात्रि क्लास। अब तुम समझते हो हम जीव आत्माएं परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, इसको मंगल मिलन कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये मंगल मिलन है। गाया जाता मंगलम भगवान विष्णु, अभी मंगल है ना मिलन का, भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता। जब बाबा मिलते हैं जीवात्माओं से तो मिलन बड़ा सुंदर है। तुम समझते हो अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बच्चे जानते ईश्वर के वर्षे के बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, तुम्हारे जैसा खुश नसीब सौभाग्यशाली और कोई नहीं, तुम्हारे जैसा खुश नसीब सौभाग्यशाली कोई नहीं। दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के कोई भी भाग्यशाली नहीं हो सकता, विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया, वो दैवी गोद हो जाती, अभी ईश्वरीय गोद है। ये तो ऊंच ठहरे, दिलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है। जैसे अंबा के भी मंदिर हैं, वो इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते, ये दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है। बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई भी मनुष्य मात्र की हो ना सके, बच्चों को जितनी समझ है उतनी और कोई की हो ना सके। जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं। तुम संगमयुगी ब्राह्मण हो, वे संगमयुगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमः। ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सर्विस करते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। ऐसे बच्चे जो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं तो बाबा उनको नमस्ते करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी योगी बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाबा का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाबा का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है। वरदान है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर, सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर, सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघन रूप अनुभव ना हो, तन कभी सेवा से वंचित होने ना दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार मत करो,
उससे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। अर्थात कोई बीमारी आ जाती है तो हम बार बार जो भी दिन में मिलता है उसको सुनाते रहते हैं, अब मुझे ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, जितने लोग मिलेंगे वही वही चर्चाएं। तो कर्म भोग का वर्णन विस्तार नहीं करना, वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यह भाग्यवान की निशानी। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव ना हो, तन कभी सेवा से वंचित होने ना दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो, उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यह भाग्यवान की निशानी। श्लोक न दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाती है। अभिमान और अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाती है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कर्म भोग को भी कर्म योग में परिवर्तित करने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूं। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। मैं बहुत 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 भाग्यवान, भले ही कर्म भोग आता है ये भी हिसाब चुकाने के लिए। भाग्यवान आत्मा का कर्म भोग भी सेवा के निमित्त बन जाता है। महसूस करें भाग्य विधाता के सम्मुख मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाबा की किरणों से अपने भाग्य को और चमकता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।